साहब ये बताइए कि ये जो भिवंडी में जो कोविड टेस्ट के केसेस होते थे, डुप्लीकेट केस को आप लोगों ने पकड़ा है, पूरी जानकारी उस बारे में दीजिए। कल 20 तारीख को यूनिट नंबर 2 भिवंडी यूनिट, हमें एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी कि गैबी नगर शांति नगर इलाके में एक मैपुस लैब है, वो लैब में एक कोविड 19 महामारी के बारे में जो RT-PCR की टेस्ट है, वो टेस्ट के रिपोर्ट्स वहाँ से डुप्लीकेट बनाते हुए लोगों को दिए जाते हैं। वो हम छानबीन करने के लिए, उसकी खातर जमा करने के लिए हमने वरिष्ठ ऑफिसर्स के डायरेक्शन के अनुसार, या मनपा के वैद्यकीय ऑफिसर हैं और 2 शासकीय पंचायत के साथ में हम जाके वहाँ एक डमी एक कस्टमर को भेज के हमने वहाँ कार्रवाई किया। तभी वो डमी कस्टमर को तुरंत 2-3 घंटे के अंदर उनको RT-PCR एक कोविड 19 का रिपोर्ट, उनको बिना उनका स्वैब लेके, कोई भी सैंपल नहीं लिया या स्वैब नहीं लिया, और उनको तुरंत उनको टेस्ट रिपोर्ट दे दिया, उसमें नेगेटिव दे दिया। वो भी, वो लैब का नाम है मैपुस क्लिनिकल लेबोरेटरी, लेकिन उन्होंने जो पेपर यूज़ किया वो थायरोकेयर लैब है, जो नामांकित है, एक वेल नोन एक लैब है ऑल इंडिया में। वो लैब का लेटर हेड पे न्यू मुंबई का उनका MIDC तुर्वे के जुरिडिक्शन में उनका ऑफिस है, वहाँ का उनको रिपोर्ट दे दिया। हमने तुरंत वहाँ उन छानबीन करके वो लोगों को ताबे में ले लिया, वहाँ टेक्नीशियन मिल गया जो उनके पास में, और वहाँ का मैनेजिंग का काम करने वाला उनके पास हमने तहकीकात करने के बाद में हमको वहाँ 64 रिपोर्ट्स जो तैयार किए हुए थे, उसमें 59 निगेटिव और 5 रिपोर्ट ए पॉजिटिव दिए हुए थे, जिनका इन्होंने कोई भी तपास नहीं किया नहीं था, उनका स्वैब नहीं लिया था, ना सैंपल लिया था, उनको विदाउट टेस्टिंग का रिपोर्ट तैयार करके दिए थे, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में हमें इंक्वायरी में मालूम हो गए। तो हमने वो लोगों को ताबे में ले लिया। उन्होंने बताया कि वो लैब का मालिक जो मैपुस आलम खान है, उसके कहने के मुताबिक उन्होंने वो बनाए हुए हैं, उसके आगे हमने उसके ऊपर कार्रवाई किया, उनको ताबे में लेके वहाँ का जो PC पे, लैपटॉप पे और मोबाइल फ़ोन पे जो वहाँ जो रिपोर्ट बनाते थे, वो सब हमने ताबे में ले लिया, रिपोर्ट्स ताबे में ले लिया। हमें आगे जानकारी में ऐसी मिली कि वहाँ और भी, यहाँ कोचिंबी गांव है जो पड़गा के जुरिडिक्शन में, वहाँ के अलग अलग कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ में काम करने वाले जो कामगार हैं, वो कामगारों के, असंख्य कामगारों के, अनेक कामगारों के इन्होंने स्वैब ले लिए हैं। वो स्वैब में उन्होंने 589 स्वैब्स हमें मिल गए हैं, और वहाँ उनके आधार कार्ड और ICMR के जो फॉर्म्स है, उसके ऊपर लोगों के नाम और उनकी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, वो मिले हैं। वो लोगों को ऑलरेडी इन्होंने RT-PCR के रिपोर्ट्स इन्होंने नेगेटिव बना के दे दिए हैं। जो काम कर रहे हैं लोग, जिनको मैंडेटरी है, वहाँ बंधनकारक किया हुआ है कि ये रिपोर्ट्स के बिना वो नेगेटिव रहेगा तो ही काम पे लेते हैं। जानकारी ऐसी मिली है कि ये जो इसके पहले जिनको रिपोर्ट्स दे दिए हैं, वो कई सैकड़ों में दे दिए हैं। जो लोग यहाँ से पहले कई फ्लाइट से उन्होंने प्रवास किया है, इन्होंने रेलवे से किया है, और बाकी के कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिसके अनुसार कई लोगों को इसकी जो नेगेटिव रिपोर्ट दिया है, वो पॉजिटिव होने की भी संभावना बोल सकते हैं, उसमें से दूसरे लोगों को भी इसकी लागन हुई होगी, तो वो अनुसार हम उसके ऊपर आगे की जांच कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 ने ऊपर सीनियर ऑफिसर्स, हमारे CP सर है, जॉइंट CP सर है, एडिशनल CP सर है, DCP सर है, ACP सर है, इन्होंने दिए गाइडेंस और डायरेक्शन के अनुसार इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारे यूनिट 2 के सब इंस्पेक्टर बरकड़े साहब हैं, वो कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि इसका मोड ऑफ ऑपरेटिंग कैसे रहता था, कस्टमर वहाँ तक कैसे पहुँचते थे सर, क्या ये पूरा एक रैकेट है सर? एकदम बराबर है। ये यहाँ पहुँचने के लिए
लोगों को मालूम हो गया कि यहाँ से रिपोर्ट हमें बिना दिक्कत मिल जाता है, और वो ये लैब का मालिक जो है महफूस है, वो वहाँ उनके लैब में ही बना के दे देता है। तो वो लोग वहाँ उनके पास में पहुँच जाते थे, तो उनके टेक्नीशियन के थ्रू वो वहाँ एडिटिंग करके उसमें बनावट जो पेपर है उसका यूज़ करके थायरोकेयर के लेटर हेड पे बना के देते थे। सर कितना पैसा लेते थे एक रिपोर्ट देने का? 500 रुपये एक रिपोर्ट के लिए देते थे, लेकिन इसके पहला जो ले लिया है, कई के लिए 600 रुपये भी लिया है, 650 रुपये ले लिया है, लेकिन अभी फिलहाल में 500 रुपये लेके दे रहे हैं। अभी तक 4 आरोपी को अरेस्ट किया है, 3 आरोपी को कल हमने 21 तारीख को अरेस्ट किया था कोर्ट ने, उन्होंने उनको 10 दिन का पुलिस कस्टडी 30 तारीख तक दे दिया है, और एक उसका जो मेन आरोपी है महफूज खान उसको आज अरेस्ट किया हुआ है, उसको कल कोर्ट में पेश हाजिरी किया जाएगा और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, सर थायरोकेयर काफ़ी नामचीन लेबोरेटरी है, क्या इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है? इन्होंने इसको फ्रेंचाइजिस बेसिस पर रखा हुआ था? हमने थायरोकेयर कंपनी के साथ में आज बाकायदा लिखित हमने और टेलीफोनिक उनके साथ में बात किया है, इन्होंने बिल्कुल ऐसा कोई इनके साथ में दिया नहीं है। ICMR गाइडलाइंस और ICMR के परवानगी के अनुसार इनको कोई भी परमिशन ऐसे दिए नहीं है। हमने ICMR मुंबई स्थित परेल स्थित ऑफिस में भी हमने वहाँ संपर्क किया है, उनको लिखित में उनको ये किया, उन्होंने भी बताया कि ऐसा कोई इनको परवानगी दिया नहीं है, ये एकदम झूठ और गलत बनावट एक फेक रिपोर्ट बना के पब्लिक को दे के इसका ये पैंडमिक का ये सब मिसयूज करते थे। शांतिनगर गैबीनगर या परिसर लोकांची RT-PCR टेस्ट COVID-19 या जो जागतिक महामारी है या आजाराची टेस्ट न करता त्या लोकांना निगेटिव आणि पॉझिटिव्ह रिपोर्ट 500 रुपये घेऊन देत असल्याची एका लॅबमधून माहिती मिळाल्यानंतर ही खात्री करण्यासाठी हनुमान साहेब आणि त्यांच्या स्टाफने भिवंडी महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी शासकीय पंच यांच्यासह या संबंधित लॅबवर एक डमी इसम पाठवून या COVID-19 या आजाराचा रिपोर्ट घेण्यासाठी निगेटिव्ह रिपोर्ट घेण्यासाठी पाठवला असता त्या लॅबमध्ये असा निगेटिव्ह रिपोर्ट देत असताना रेड हँड 2 पंचा समक्षच मनपाच्या डॉक्टरच्या समक्ष तिथले तो लॅब टेक्निशियन आणि त्याचा एक जोडीदार रंग्यात त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे अधिक चौकशी केली असता आणि तिथं झडती घेतली असता त्या लॅबची, त्या लॅबमध्ये एकूण RT-PCR टेस्टचे 64 इसमाचे तयार केलेले निगेटिव्ह रिपोर्ट मिळाले। सदरचे रिपोर्ट हे थायरोकेअर हे नवी मुंबईची एक नामांकित लॅब आहे, पॅथॉलॉजिकल लॅब आहे, त्या लॅबच्या लेटर हेडवर तयार केलेले मिळाले। सदरचे रिपोर्ट हे भिवंडी शहरातून परराज्यात जाण्यासाठी जे नागरिक जातात विमानाने रेल्वेने परीक्षा देण्यासाठी किंवा महत्त्वाचे म्हणजे ज्या कंपन्या चालू आहेत निगेटिव्ह रिपोर्ट घेऊन त्या कंपन्या तिथल्या कामगार असतील त्या कामगाराचे निगेटिव्ह रिपोर्ट घेतात RT-PCR आणि त्यानंतर ते काम करायला परवानगी देतात। अशा कंपन्यामध्ये काम करण्यासाठी लोकांना परमिशन काम करण्यासाठी म्हणून ते असे निगेटिव्ह रिपोर्ट प्रत्येक रिपोर्टाला 500 रुपये घेऊन असल्याचे 64 रिपोर्ट तयार रिपोर्ट मिळाले। त्याप्रमाणे ह्या रिपोर्टाच्या आधारे आणि खात्री झाल्यानंतर शांतीनगर पोलीस स्टेशनला CR नंबर 236/2021 भादवी कलम 420, 465, 468 वगैरे वेगवेगळ्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून काल रोजी यातील 3 इसमांना अटक केलेली होती। आज रोजी या लॅबचा मालक महफूज आलम मजीउल्ला खान व 29 वर्ष राहणार भिवंडी यास अटक करून त्याची 30 तारखेपर्यंत त्याची पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात आली। आज रोजी सखोल तपासात असं निष्पन्न झाले आहे की 64 रिपोर्ट तर मिळाले निगेटिव्ह रिपोर्ट, परंतु 569 स्वॅब घेतलेले मिळून आलेले, त्याबरोबर आधार कार्डच्या 430 प्रती मिळाल्या, 569 ICMRचे लॅबमध्ये फॉर्म मिळाले। अशा प्रकारे अतिशय हा गंभीर प्रकारचा गुन्हा भिवंडी युनिट 2 क्राईमच्या श्री अशोक हनुमान साहेब
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उघडकीस आणून अतिशय महत्त्वाची कामगिरी केली आहे। सदरच्या यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे भिवंडी महानगरपालिकेने महानगरपालिकेकडून माहिती घेता या लॅबला कसल्याही प्रकारची आरटीपीसीआर टेस्ट तपासणी करण्याची परवानगी नाही। हा अतिशय गंभीर प्रकार आज पवित्रच्या तपासात निष्पन्न झालेला आहे। यापूर्वी त्यांनी शेकडो लोकांचे असे बनावट निगेटिव्ह रिपोर्ट दिल्याचे एकंदरीत दिसून आलेले आहे आणि त्या दृष्टीने तपास चालू आहे। सर ही पूर्ण कारवाई शांतीनगर पोलीस स्टेशन तुम्ही दोघांनी मिळून केलेली आहे का फक्त क्राइम ब्रांच भिवंडी क्राइम युनिटचे आमचं क्राइम युनिट आहे श्री अशोक भनवाने साहेब आणि त्यांचे जाधव साहेब असतील बरखडे साहेब असतील त्यांचा स्टाफ असेल त्या स्टाफच्या मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे खात्रीपूर्वक माहिती मिळाल्यावरून करण्यात आहे।